आपके चुने जाने तक इस सदन की गरिमा का ध्यान रखना सचिवालय का की जिम्मेदारी थी और सरकार द्वारा शपथ लेने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी की शपथ लेने के बाद सरकार की जिम्मेदारी थी। दो हादसे ऐसे हुए हैं जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। पहला तो सरकार ने चुने जाने के बाद सबसे पहले सेक्रेटेरिएट में मीडिया पर पाबंदी लगाई, जो एक प्रकार से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस पर पूरी दिल्ली स्तब्ध रह गई और लोगों को लगा कि सरकार का यह कदम तानाशाहपूर्ण है। दूसरा अध्यक्ष, एक सेकंड अध्यक्ष जी, देखिए आपने मुझे अनुमति दी है, अनुमति दी है, मैं एक सेकंड, मैं कम से कम शब्दों में बात कहकर अपनी समाप्त करूंगा। सुन लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए, आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है, पहली बैठक है और माननीय सदस्य सभी यहाँ उपस्थित हैं और आपको केवल अध्यक्ष चुनने पर बधाई देने की एक परंपरा रही है, सदन की परंपरा रही है। मैं भी पहले 5 साल इस सदन का सदस्य रहा हूँ, उस वक्त इस ढंग के मुद्दे उठाना ना शोभा आपको देता है ना सदन को। अध्यक्ष जी, मुझे मालूम है अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, मुझे मालूम है ये सदन 5 साल मुझे मालूम है अध्यक्ष जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, उस वक्त आपको शांत रहना चाहिए। ये परंपरा है जी, 5 साल तक आप भी यहाँ रहेंगे, हम भी यहाँ रहेंगे और ये मुद्दे उठाने का आपको पूर्ण अवसर मिलेगा। आज का दिन आपको शांतिपूर्वक सदन की कार्रवाई चल देने चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। और आप अध्यक्ष जी, इसके बाद मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसके बाद आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूँ विजेंद्र जी, मैं अनुमति नहीं दूंगा, आपकी बात को ध्यान कर लिया है अध्यक्ष जी, मैंने आपकी बात को ध्यान कर लिया है, प्लीज प्लीज, मैं ये समझता हूँ अध्यक्ष जी, विजेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, मुझे मौका दिया आपने मुझे मौका दिया अध्यक्ष जी, विजेंद्र जी मैंने मौका दिया, मैंने अपनी जितनी देरी, मेरी प्रार्थना है, मुझे बात पूरी करनी है, प्लीज बैठे, तो पूरी करनी है, सदन की कार्रवाई को नो डिस्टर्बेंस करो, पूरी करनी है, माय रिक्वेस्ट, मुझे लगता है कि आप भी सीटेड, आप इस पद पर बैठे हैं, प्लीज भी सीटेड, मैंने आपकी बात सुनी है, मैं आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ, मैं सम्मान के साथ बात कर रहा हूं, आप पूरे सम्मान के साथ सम्मान कर रहा हूं जी, आप में पूरा विश्वास करता हूं, इसी बात का पूरा सम्मान करना भी अध्यक्ष जी की बात को समझिए, विधानसभा की गरिमा है, आग्रह पूर्वक कह रहा हूं विजेंद्र गुप्ता, स्पीकर का सम्मान करना भी विधानसभा की गरिमा है, मुझे इसकी गरिमा बनाया है, विजेंद्र जी आप बैठिए, अध्यक्ष जी मैं इस विषय पर कोई सुनना पसंद नहीं करूंगा, आपने मुझे अनुमति दी है, मैंने कोई अनुमति दी है, आपने मुझे अनुमति दी है, मैंने इस बात की अनुमति दी है, करने दी जाए, मैंने कोई विषय नहीं है, कम से कम शब्दों में विजेंद्र जी कोई विषय नहीं है, कम से कम शब्दों में, कोई समय आपको देने रहा हूं, कम से कम शब्दों में अपनी बात कोई समय देने के लिए सहमत नहीं हूं जी, मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात कर दूंगा, मैंने बहुत क्लियर बात की, मुझे अपनी बात पूरी करनी है, विजेंद्र जी मुझे खड़ा, मैंने आपकी बात को ध्यान कर लिया है, एक मिनट, मैंने आपकी बात को ध्यान कर लिया अध्यक्ष जी, आपको ये लगता है कि आप विजेंद्र जी अध्यक्ष अपने आसन से खड़े हो गए, विजेंद्र जी अध्यक्ष जी अपने आसन से खड़े हो गए, उसके बाद आपको बैठने का नियम पालन करना चाहिए, सदन की परंपरा का ध्यान रखें, अध्यक्ष जी आपने पूरा सम्मान प्रकट करते हुए मैं अपने कम से कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे समय दिया जाए, आपको बैठ जाना चाहिए अध्यक्ष, मुझे 30 सेकंड दिए जाए अध्यक्ष जी, मुझे 30 सेकंड दिए जाए, मुझे 30 सेकंड दिए जाए अध्यक्ष, खड़े हो गए आप बैठिए पहले, आप अध्यक्ष जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, आप बैठिए पहले अध्यक्ष, खड़े हो गए, ये परंपरा है सदन की, अध्यक्ष अपने आसन से खड़े हो गए, ये परंपरा है सदन की, आप बैठिए, अध्यक्ष अपने आसन पर खड़े हो गए, ये परंपरा है सदन की, आप बैठिए, नहीं कोई समय नहीं, नो टाइम एट ऑल, आपको जो समय दिया उसमें आप बोल चुके विजेंद्र जी, जो आपको समय मैंने दिया, आपका नाम, मैं कोई
नहीं, मेरा ध्यान है आप, आपके आपको पूरा समय मिलेगा। सिर्फ 30 सेकंड।